assalamu alaikum dear students today we are going to read a poem that is uh, a nation's strength it's, this poem is uh, for class 8 subject to general english and uh, this poem that is a nation's strength has been written by rolf waldo emerson what makes a nation's pillars high and its foundation strong, what makes it mighty to defy the foes that round it throng? It is not gold its kingdom's grand, go down in battle-shock, its shafts are let on, sinking sand, not on abiding rock. A nation's trunk means a nation. Kehte hain watan ko. कि एक नेशन को एक वतन को किस तरह से स्ट्रॉग बनाया जाता है उसकी ताकत क्या होती है वतन की स्ट्रेंथ क्या होती है किस तरह एक वतन को ताकतवर बनाया जा सकता है कहते हैं कि व्हाट मेक्स नेशन पिलर्स है वो कौन सी चीज़ है जो एक वतन के सुतूनों को पिलर्स का मतलब है सतून कौन सी चीज़ है जो एक नेशन के सितूनों को ऊंचा बना देती है एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रांग और वो कौन सी चीज़ है जो इसके बुनियादों को ताकतवर बना देती है वट मेक्स इट माइटी टू डिफ़ाई द फोर्स दैट राउंड्राउ यानी वो कौन सी चीज़ है जो इसको इतना ताकतवर बना देती है ताकि ये मुकाबला कर सके उन दुश्मनों का फोर्स कहते हैं दुश्मन को जो इस वतन के इर्द गिर्द भीड़ लगा कर घूमते रहते हैं जमा होते हैं इट इज़ नॉट गोल्ड इट्स किंगडम्स ग्रेट गो डाउन इन बैटल शॉप इट इज़ नॉट गोल्ड यानी ये सोना नहीं है जो एक वतन को स्ट्रॉग बना देती है ताकतवर बना देती है और नहीं ये किंगडम है किंगडम ग्रैंड का मतलब है ग्रैंड कहते हैं वसी को और ये कोई वसी सल्तनत नहीं होती है जो इस वतन को ताकतवर बना देती है क्योंकि सल्तनत जो है बादशाह जो है वो किस में ख़त्म होते हैं जंग के एक झटके में ख़त्म हो जाती है इट्स शॉफ्ट और लैड ऑन है नॉट ऑन एबैंड रॉक ये सल्तनत ये बादशाह जो होती है इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दिनस्ती हुई रेत है जो ख़त्म हो जाती है और एबैडिंग रॉक का मतलब है चट्टान मजबूत चटान यानी एक मजबूत चट्टान की तरह ये नहीं है ये सल्तनत बादशाह या सोना जो है ये जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ है उसके बाद है इज़ इट दर्ड ऑस द रेड डेस्ट ऑफ एम्पायर्स पासड अवे यानी वो बादशाह जो गुजर चुके हैं अब उनकी धूल रह गई है वो कहते हैं कि क्या ये स्वर्ड है स्वर्ड कहते हैं तलवार को क्या ये तलवार है जो एक वतन को ताकतवर बना देती है द ब्लड हैज़ टर्न दियर स्टोन टू रेस्ट यानी जो ब्लड है जो खून है इनका उसने उन पत्थरों में जंग लगा दी है दियर ग्लोरी टू डे और उनका जो उसकी जो शान शौकत थी उन बादशाहों की उनका जो जलाल था वो अब जवाल पजीर हो गया है एंड इज़ इट प्राइड आह दैट ब्राइट क्राउन क्या ये फ़खर है क्या ये गुरूर है जो एक वतन को ताकतवर बना देती है आह दैट ब्राइट क्राउन या वो चमकता हुआ ताज है ताज जो बादशाह पहनते हैं है, है सीम टू नेशन स्वीट जो लोगों को प्यारा लगता था बादशाह का ताज जो है इसको लोग पसंद करते हैं क्या ये बादशाह का ताज तो चाद एक नेशन को स्ट्रांग बनाता है ताकतवर बनाता है बट बट गॉड हेजर डाउन यानी खुदा क्या करता है फिर इस जो सल्तनत बादशाह था इसको ख़त्म करता है इन एश यानी एशस में तब्दील होते हैं एट हिस् फीट तो यानी इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो है धन दौलत जो है बादशाह जो है सल्तनत जो है ये तलवार जो है ये वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं ये एक नेशन को ये एक वतन को किसी भी तरह से ताकतवर नहीं बना सकते हैं प्यारे बच्चों मुझे यकीन है कि आज आपको मेरा लेक्चर फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे बाकी के स्ट्रेंस इनशाला इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हाफिज़